चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। सीएम अशोक गहलोत से मिला प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने चिकित्सकों की भावना मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और चिकित्सक नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें आश्वासन दिया है इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो गई है और फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर के जरिए ये भी दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो चिकित्सक सड़कों पर थे और कहीं ना कहीं एक भावना भी थी कि एक मध्यस्थता की जाए। आप एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए, उन्हें अपनी भावना बताई। जो चिकित्सकों की भावना है इस बिल को लेकर के नोटोआरटीएस जिस वजह से कर रहे हैं उसे खुद सुबह के मुखिया के सामने जाकर इस प्रतिनिधि मंडल की ओर से रखा गया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने चिकित्सकों की भावना सीएम अशोक गहलोत तक पहुंचाई और अब उनका ये भी कहना है इस मुलाकात के बाद कि सीएम अशोक गहलोत ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी परेशानियों को भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जनता के लिए मुफीद है ये राइट टू हेल्थ बिल और इसको लेकर के चिकित्सक नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आश्वासन दिया गया है इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है उन्हें नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए महत्वपूर्ण पहल कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये भी है क्योंकि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि जनता की सेवा के लिए और सकारात्मकता एक तरीके से इस माहौल में हो इसको लेकर के कोशिश भी की जा रही है सरकार की ओर से, इनिशिएट भी की जा रही है बातचीत के लिए और सरकार के द्वार हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। इसी बाबत अब जब चिकित्सकों का ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुलाकात सीएम अशोक गहलोत से खुद की है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और कह दिया है कि आश्वस्त सीएम अशोक गहलोत ने किया है, अब आश्वस्त जब किया होगा तो बातें भी हुई होंगी, क्या जानकारी रही विकास पूरी? विकास आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में इन दिनों जिस तरह के मेडिकल इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं और लगातार जो परेशानियां हैं वो फर्स्ट इंडिया दर्शकों के तक पहुंचा भी रहा है। आप लोगों की परेशानियां हैं जिसे चिकित्सक भी जब सुन रहे होंगे तो संभवतः इस चीज को लेकर दिल भी पसीज गया होगा क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी कहने को ना हो लेकिन धरातल पर जरूर नजर आ रही है। और इसी बीच एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सुबह के मुखिया सीएम अशोक गहलोत से काफी इम्पोर्टेंट इस समय हो जाती है। उम्मीद यही करते हैं कि कोई एक हल इस तरह का निकले जिससे जो चिकित्सक है एक शांतिपूर्ण पेशा कहा जाता है वो भी अपने अपने पदों तक अपनी अपनी कुर्सियों तक फिर से पहुंचे। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो इंचार्ज हैं कई मौकों पर हमने कई तस्वीरों के जरिए देखा, कई जिलों के कलेक्टर जो कि डॉक्टर पेशे से जुड़े रहे वो भी चिकित्सक बनकर एक बार फिर से देख रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त लाइव जुड़ गया। विकास, बेहद इंपॉर्टेंट ये बातचीत रह सकती है क्योंकि प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होना और उनका ये कहना कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है नियुक्ति होगी गोविंद सिंह डोटासरा की, इस मामले को लेकर क्या पूरी जानकारी और रूपरेखा विकास आगे की? देखिए बिल्कुल आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता नजर आ रहा था लेकिन उस पटाक्षेप में एक ही बात कि जो चिकित्सक प्रतिनिधि यहाँ से पहुंचे थे वो नो आरटीएच की मांग को लेकर पहुंचे थे। हालांकि वो जो चिकित्सक प्रतिनिधि पहुंचे उनसे सीएम की सीधी बातचीत तो नहीं हो पाई है मुख्यमंत्री, लेकिन बीच की मध्यस्थता में नजर आए थे वीरेंद्र सिंह। और कल वीरेंद्र सिंह से हमारे चैनल पे जो बातचीत हुई थी उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन का कहीं ना कहीं रास्ता निकलना चाहिए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कल बताई थी कि क्या विसंगतियां हैं, क्या दिक्कतें हैं जिससे कि फील्ड में चिकित्सक है वो इस बिल को लेकर नाराज है। और उसी तरह की बातें बिंदुवार बातें जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को बिल्कुल सकारात्मक तरीके से सुना और सुनने के बाद में एक आश्वासन दिया कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनको इस पूरे मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये चिकित्सकों का तर्क है, चिकित्सकों की तरफ से ये बात की गई है। हम पहले बात करते हैं जो प्रतिनिधिमंडल सीएमआर पहुंचा था उनसे बात करते हैं, डॉक्टर सुनील गढ़ साहब उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप सीएमआर गए थे, बातचीत का प्रयास भी था, मुलाकात हो सकता है नहीं हो पाई लेकिन आपकी बात वहां तक पहुंची है, क्या लग रहा है आपको अब उस बातचीत का आगे का हल क्या निकल रहा है? उसमें देखो उन्होंने ये कहा है कि वो डोटासरा जी को बताएं कि बातचीत किसकी हुई थी, क्या मैसेज दिया गया और क्या अब उम्मीद है? हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह सर थे जो कि अंदर गए थे और उन्हीं की बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई तीन तरह से उन्होंने चीज़ें की रखी कि मनसा तो इसमें सही है बट इसमें जो रूल्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं और पेनल्टीज़ हैं ये डॉक्टरों के लिए अनअसेप्टेबल चीज़ है। तो फिर ये हुआ फाइनल कि भाई डोटासरा जी को वो अपॉइंट करेंगे और डोटासरा जी जो है
वो डॉक्टर से रिलेटेड जो इश्यू हैं, क्या क्या चीज़ें दिक्कतें हैं, वो विस्तार से बात करेंगे और फिर जो स्थिति आगे क्या इसका रास्ता निकलता है उसके बाद में निर्धारित किया जाएगा। आप गए थे नो आरटीज की बात को लेकर के, अब बात आ रही है बिंदुओं की, कहाँ बदल रहा है माहौल? नहीं देखो, उसमें जो वही बात है ना कि जो यानी कुल मिला की बात है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, कुछ ऐसी बात हो सकती है? भाई देखो, हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं ना वो तो हम पहले भी दे चुके हैं, पहले देने के बाद में सीएम ने हाँ करने के बाद में भी उनको जो है विधेयक में नहीं डाला गया, पहले भी बदमाशी हो चुकी है हमारे पास साथ में, इसलिए हमें इस स्टैंड पे अल्टीमेटली आना पड़ा, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये धोखा होता है बार बार, इसलिए हम स्टैंड पे खड़े हैं, क्योंकि जो अगर हम ये भाई जो हमें बताया कि ऑब्जेक्शंस ऐसे ऐसे हैं, वो सब चीज़ें ऑब्जेक्शंस हैं, तभी तो हम नोटो आरटीएस पे हैं। तो आगे का रास्ता अब बात के लिए अगर बुलाएंगे तो हम अपनी बात तो रख के आएंगे। बातचीत देखो नो आरटीएस पे होते हुए बात रख रहे हैं, और जिस तरह की चीज़ें सामने आई, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, बात ऐसी है कि तीन बिंदु जो है निकल के आ सकते हैं इस तरह से, इसमें क्या आपत्ति है आपको कि अगर मान लो सरकार के अनुदानित अस्पताल और साथ में जो सरकार से जुड़ने वाले अस्पताल हैं उन पे आरटीएस लागू की जाए तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? देखो वो गवर्नमेंट का आउटलुक है, गवर्नमेंट का आउटलुक है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार द्वारा अनुदानित हॉस्पिटल और पीपीपी मोड वाले हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट का आउटलुक है, लेकिन इन रूल्स इन टर्म एंड कंडीशन और पेनल्टीज के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल काम नहीं कर पाएंगे। ये तो आप आरटीएस का विरोध कर रहे थे पहले, अब बिंदुओं पे आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने कि बीच का रास्ता निकलने की बात निकल सकती है, क्योंकि देखो तरीका तो बीच का ही है। पता चलेगा जी, बातचीत से ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये शब्द निकल गए हैं पहली बार, बीच में बातचीत का रास्ता निकले, और जो बिंदु बदल रहे थे वो बात है, शब्द बदलते हैं उनका मायने बदलते हैं। रामदेव सिंह जी, उनसे बात करते हैं। रामदेव सिंह जी, बातचीत हुई आपकी, हालांकि बातचीत नहीं हो पाई लेकिन आपका मैसेज, प्रॉपर मैसेज पहुंच पाया। हाल ही में आपने प्रेस वार्ता की, उस वक्त के आपके स्वर अब दोबारा क्या कहेंगे? विकास जी, एक तो ये शब्द हमारे मुंह में आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डालने की प्रयास नहीं कर रहा हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात को पूरा सुनिए। नो टू आरटीएच नहीं, रोल बैक आरटीएच। हम ये समझाने गए थे, ये बताने गए थे कि क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं, यदि बिल आता है तो आपके अपने इंस्टीट्यूट्स में ही नहीं चल पाएगा, हम ये बात ही बताने गए थे। और जो हमारी वार्ता जिन्होंने रखी आगे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी यही बातें बताई कि जब ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से टाइप किया हुआ, मैं कहूँ कॉपी पेस्ट किया हुआ जो बिल बना है, ये नहीं चल पाएगा साहब हिंदुस्तान में, क्योंकि अपना ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है। यदि इस तरह का आप बिल के हिसाब से देखने जाएंगे तो आपके SMS हॉस्पिटल में जहाँ OPD 10,000 की है पर डे की, वहाँ 1,000 चेंबर बनाने पड़ेंगे, 1,000 आपकी फीमेल अटेंडेंट होगी, उसके हिसाब से रोज के पहुंचाने का कार्य अभी भी कर रहे हैं, और भावनाएं सीएम अशोक गहलोत तक इन्होंने पहुंचा भी दी है। विकास, भावनाएं पहुंचा दी और उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद यही का अभी भी हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का, जो कि जनता को सीधा सीधा इफेक्ट कर रही है, वो जल्द से जल्द समाधान उसका हो पाए। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ।